देखो ये मैंने जैसे सवाल लिखा है, ठीक है, ये आपने जैसे ये देखे यू सेट यू है ए मेंबर के बी मेंबर अप्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमें ए माइनस बी लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। तो ए के मेंबर हम लिखेंगे जो ये है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर माइनस का साइन हम फिर बी के मेंबर लिखेंगे जो है 2 3 4 5 8। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, जैसे जो एक जैसे वो कट जाएंगे, जैसे 3 3 5 5, बाकी जो है ना 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है यहाँ नहीं है, 8 यहाँ यहाँ नहीं। तो हम ये दो नहीं लिखेंगे, बस हम ए के मेंबर लिखेंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट में जो मेंबर दिया है वो ए का दिया है, वो सेट सॉरी 1 7 9, ठीक है। अब हम इनको निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो है सेट यू से हम ए माइनस बी को माइनस करेंगे। अब हम लिखेंगे सेट यू जो कंप्लीट है हमारा 10 तक, अब हम इसमें क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे, और जो हमारा आंसर है वो लिखेंगे 1 7 9, ये हमारा ए माइनस बी का आंसर है। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, अब जो एक जैसे वो कर देंगे 1 1 7 7 9 9, तो जो रिमाइंडर में रिमेंबर है कि हम इनका नाम लिखेंगे वो 2 3 4 5 6 8 10 10, क्योंकि ये हमारा ए माइनस बी ए सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड, सही है। तो हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो है सेट यू माइनस सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा सेट यू, और माइनस हम करेंगे ए के मेंबर है 1 3 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो जो एक जैसे हैं अल्फाज हम कट कर दिए थे 1 3 5 7 9 3 5 7 9, जो रिमाइंडर में रह गए वो लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, सही है। अब हम मालूम करेंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट सेट यू बी, तो ए कम्प्लीमेंट के हमारे आंसर आया था 2 4 6 8 10, और यू का भी जो साइन है हम यू लिखेंगे।